आओगे क्या खाओगे? चाय पियोगे? चाय पियो भाई। और कुछ आज तो नहीं आते थे पूरे भाई मेरे टूडे सब करवा दे ठीक है। हाँ पूरा इलाज होगा इंशाल्लाह। किन्ने घर वालों ने मारा? हाँ मम्मी वाली तो इलाज ही जाता है वहाँ तो। मम्मी नहीं है? हाँ मम्मी नहीं है। किन्ने मारा तुम्हें? भैया ने मारा। तो तुम जो है क्या तबीयत क्या खराब है तुम्हारी? और पहले पान से बेकार ही गया। अच्छा तो बेटा जी ने कहाँ से कहाँ के रहने वाले हो तुम? हम रघुवीरपुर के। रघुवीरपुर के? हाँ। अब तुम आपको कहाँ मिले? ये हम पल्ली वाले फार्म में साकिर भाई हम जानना चाहेंगे जी बच्चा आपको कहाँ मिला हो क्या जे क्या किस स्थिति में था? इसमें हम लोग जो है आवाम खिदमत कमेटी चलाते हैं और जितने भी लावारिस लोग होते हैं चाहे किसी धर्म के रहते हैं उनकी सेवा करते हैं। तो जो रोड पर लोग भटकते हैं ना तो लोग हमारे ऑफिस पर छोड़ जाते हैं। ऐसे ही ये रोड पर बच्चा परेशान हो रहा था तो एक सज्जन आए थे उन्होंने उठा के हमारे ऑफिस पर पहुँचा दिया कि आप इसकी मदद कीजिए। तो जानकारी लेने पता चला कि इसके पैरों में भी तकलीफ है, इसके घुटने जो है सूजे हुए गुर्दों में डिफेक्ट है तो इसके ब्लड वगैरह भी चल रहा है। इसलिए हम यहाँ जिला अस्पताल में इसका ट्रीटमेंट कराने के लिए आए हैं और जैसे भी कोशिश होगी हम लोगों को ब्लड देना पड़ेगा तो ब्लड भी देंगे और जिस हद तक भी इसकी इसे कहा है हमने भागना मत ही हम आपका पूरा इलाज कराएंगे और जरूरत पड़ेगी इसको हम अपने यहाँ रख लेंगे। अगर ये अपने घर जाना नहीं चाहेगा तो कमेटी में हमारे और भी बच्चे बनना एक बच्चा ये भी बनेगा क्योंकि एक इंसानियत जो है वो बहुत बड़ी चीज़ है। किसी धर्म को बीच में नहीं लाना चाहिए चाहे हिंदू चाहे मुस्लिम। सेवा सिर्फ सेवा होना चाहिए।